माई डियर वॉरियर्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में द पाथ ब्रेकर ग्रुप माय नेम इज विजय मेहर टुडे आई एम ब्रिंगिंग पार्ट टू ऑफ थाउजेंड इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई होप आप सभी से होंगे एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिक्स पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंसेस की बात करूं तो यहां पे मैं बात करूंगा सिंपल टेंस जिसके फोर टाइप्स हैं जो आप लोगों को पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग भी दे दूंगा और कैसे इसको यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा और पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज होगा और वो सरप्राइज इन द मिडिल ऑफ द वीडियो और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा so, बने रहिए एंड माय डियर वॉरियर्स जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लोगों ने लाइकन नहीं दबाया सो डो नॉट फोरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल नाउ लेट्स मूव अहेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का मतलब होता है एन एक्टिविटी और एक्शन विच वी आर डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस ऐसी एक्टिविटी और एक्शन जो हम रेगुलरली करते हैं वो हमारी हैबिट होती है और डेली रूटीन के फॉर्म पे वो हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई रीड न्यूज पेपर एवरी डे मैं हर दिन न्यूज पेपर पढ़ता हूँ ये मेरी क्या है? रूटीन है मेरी हैबिट है आई अपलोड वीडियो एवरी वीक हर हफ्ते मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं ये क्या मेरी हैबिट है रूटीन है प्रेजेंट सिंपल टेंस हम तब भी बात करते हैं वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व अराउंड अर्थ अर्थ सॉरी अराउंड सन ठीक है तो ये क्या है फैक्ट है और प्रेजेंट सिंपल टेंस हम वहां पे यूज करते हैं जब वर्ब के साथ या तो एस लगता है या फिर ई एस लगता है फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें जो मैंने दिया हुआ है ए पाथ ब्रेकर ग्रुप चैनल टू स्टडी ब्रैकेट में जो ये आपको मैंने यहाँ पे पर्पल में दिए हैं ये क्या है वर्ब्स हैं वर्ब को यूज करके आपको यहाँ पे ब्लैंक्स हैं को फिल ना है और वी हैव टू मेक द कंप्लीट सेंटेंस इनटू प्रेजेंट सिंपल दे फॉलो द पाथ ब्रेकर ग्रुप चैनल टू स्टडी डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो होगा क्या यहाँ पे फॉलो हो सकता है दे फॉलो द पाथ ग्रुप चैनल ये क्या है कंप्लीटली करेक्ट है ग्रामेटिकली And पे अगर ही होता या शी होता फिर क्या होता ही फॉलोज द्रेकर ग्रुप चैनल टू स्टडी राइट सिमिलरली सारे वर्ब है इनकी मदद से आपको यहां पर फिल करना है ओके पार्ट सेकेंड पार्ट इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है एन एक्टिविटी और एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ और ओकेजनली और मे कंटिन्यू इन फ्यूचर मतलब एक ऐसी एक्टिविटी और एक्शन जो अभी हो रही है या कभी कभार होती है या फिर फ्यूचर में हो सकती है फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग नाउ यू आर लिसनिंग नाउ तो ये क्या चीज है अभी हो रही है फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लानिंग टू मीट माई फ्रेंड्स आफ्टर लॉकडाउन अभी जैसे लॉकडाउन हो रहा है तो उसके बाद मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा आई बिलीव कि अभी काफी लोग परेशान हो रहे होंगे बट दिस इज द गोल्डन टाइम यू नो टू यूटिलाइज और टू वर्क ऑन यूर ठीक है जिनके एग्जाम्स हैं वो अपने एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं जब तक ये लॉकडाउन है एंड प्लीज स्टे इनडोर्स सो इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है पाथ ग्रुप चैनल क्वालिटी है प्रोवाइड

आपको इन सारे वन टू टेन सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्म में वर्ड ना है तो, तो चेक करें फिर अभी दें आपको And let's check कि कितनी preparation हो रखी है आप लोगों के लिए मैं थ्रो करता हूं हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी जूलॉजी का फादर कौन है नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी थर्ड क्वेश्चन हु इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी फोर्थ क्वेश्चन हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देर इन इंडिया एट दूमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज नेशनल इनकम आ गया मजा अब जिसकी तैयारी हो रखी है वो वही अपने हिसाब से देख लो जिसकी तैयारी नहीं हो रखी है उसको अब थोड़ा सा लेवलअप करने की जरूरत है थर्ड पार देंट परफेक्टेंस Present perfect tense का मतलब मतलब होता है है एक मतलब, एक ऐसी activity और एक ऐसा action जो कभी past में बहुत बार हुआ हो ठीक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने खुद का एग्जांपल दूं तो आई मैंने बहुत सारी एस एस बी इंटरव्यूज तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ आई हैव गिवन ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल शी हैज कंप्लीटेड द कोर्स वंस उसने एक बार कोर्स कंप्लीट कर दिया है हैज कंप्लीटेड अब देख लो किसके साथ हैज आ रहा है किसके साथ हैव लग रहा है ठीक है दिस इज द कैच तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर एक्सपीरियंस जहां पे हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉन टू नैनीताल ट्वाइस ये क्या है एक्सपीरियंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैव या हैज किसके साथ विद पास्ट ओके तो ये आप यहां पे देख रहे होंगे मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड क्वेश्चन uh, के साथ वन टू थ्री ऑप्शन दिया हुआ है तो so, इसमें से एक ऑप्शन आपको सही चूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेट्स चेक अदर क्वेश्चन एज वेल सेम क्वेश्चंस हैं, बाकी आपके वन टू थ्री ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं एंड सही ऑप्शन आपको चूज करके इसको कंप्लीट ना है तो नाउ मूविंग अहेड दिस वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है एन एक्टिविटी और एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कॉन्टिन्यूड टिल नाउ क्या मतलब है एक ऐसी एक्टिविटी और एक्शन जो कभी पास्ट में स्टार्ट हुई थी बट अभी भी वो चीज चल रही है ठीक है और इट टॉक्स अबाउट द टाइम एंड एक्शन हैज बीन टेकिंग प्लेस ठीक है ये बेसिकली उस टाइम की बात करता है कि जब कोई चीज हो रही है हो रही थी और अभी भी चल रही है एग्जाम्पल की बात करें आई हैव बीन आई हैव बीन स्पीकिंग इन दिस वीडियो फॉर अबाउट मिनट्स मतलब कि जीरो सेकंड से मैंने स्टार्ट किया था लेकिन अभी ज्यादा हो गए मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो पहले स्टार्ट हुई थी अभी भी वो चीज चल रही है क्वारंटीन बहुत पहले हुए थे लेकिन अभी भी कहा है घर पे ही है राइट right? सो so, ये क्या है प्रेजेंट है एंड इन दिस वी यूज हैं बीन के साथ प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थ्री ये वर्ब्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे पर्पल कलर में इनको यूज करके आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को और इसको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट ओके सो लेट्स चेक दिस इज द अदर पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और ऑप्शन भी दिए हुए हैं सही ऑप्शन चूज करके आपको उसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ठीक है तो एक और आपके लिए सरप्राइज बॉम्ब मैं लेके आ रहा हूं क्वेश्चन सुनना ध्यान से ट इज पॉ कैपिटा इनकम फर्स्ट क्वेश्चन इन फैक्ट से कौन सा फिनोमिन यूज होता है एंड एट्थ क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा फॉर्मुला नाइन्थ क्वेश्चन इज विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन टेंथ क्वेश्चन इज लोथल इज इन विच स्टेट सो आई बिलीव की सरप्राइजेस आपको अच्छे लग रहे हैं एंड uh, इस तरीके से पता भी लगेगा कि आप का लेवल जो है प्रिपरेशन का वो कितना है ठीक है और अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना है यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड वो कितना सॉल्व कर पाते हैं कितने क्वेश्चन बता पाते हैं वो वहां से पता लग जाएगा ओके सो हियर आर द आंसर्स माई डे वॉरियर्स यहां पे आप पहले अपने आंसर्स लिख लेंगे उसके बाद यहां से आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक करेंगे आई वुड लाइक टूट दिस वीडियो बाय सेइंग देर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग मतलब लाइफ में देखो शॉर्टकट्स नहीं होते हैं इफ यू हैव टू रीच वेर यू हैव डिसाइडेड टू बी डिसाइडेड टू गो तो उसके लिए यू हैव टू वर्क आउट यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स यू हैव टू बी डेडिकेटेड यू हैव टू बी डिटर्मिंड यू हैव टू बी गोल ओरिएटेड और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो देर इज नो वन देर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू

Stay safe. Thank you guys.